नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लेके आए हैं महिंद्रा युवराज। ये 3 सिलेंडर की ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है कि कितना भी रेस कर ले लोड नहीं ले रहता, भाग नहीं रहता, यानी कि क्लच प्लेट प्रॉब्लम। तो हमने उसको 2 पार्ट में कर दिया ट्रैक्टर को। तो ट्रैक्टर को 2 पार्ट में करके हमने चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, क्लच प्लेट मिस हुआ है, फ्लाईव्हील मिस हुआ है कि क्या मिस हुआ है। तो देख सकते हैं ये अपना प्रेशर प्लेट है, ये कितना बॉडी इसका काट दिया है पूरा ऐसे करके, इसका जो इक्वल फेस होता है। क्लच प्लेट देख सकते हैं आप, क्लच प्लेट इसने कितना, ये सारा रिपीट ऐसे घस गया है। इस वजह से क्या है, गाड़ी लोड नहीं ले रही थी, आगे नहीं भाग रही थी कितना भी रेस कर ले। तो जो मेन प्रॉब्लम है वो आप देख सकते हैं, क्लच प्लेट घसने से ज़्यादा ये प्रॉब्लम आई है। प्रेशर प्लेट का भी जो बॉडी होता है उसको भी काट दिया है पूरा, उसका जो रिपीट होता है उस वजह से वो पूरा पकड़ के ऐसे चारों तरफ से काट दिया है। तो इस कंडीशन में हम पूरा चेक करेंगे कि इसको क्या करना पड़, कैसे सही कर सकते हैं। तो देख सकते हैं प्रेशर प्लेट को भी हमने पूरा खोल लिया है। ये फ्लाईव्हील का आप देख सकते हैं कितना इसका भी बॉडी को है जो काट दिया है, आप देख सकते हैं। और हमने इसका जो बैरिंग है, क्लच बैरिंग, उसको भी चेक किया, वो सही है, अभी काम करेगा। लेकिन जो इसमें हमने प्रॉब्लम पकड़ा है उस ट्रैक्टर में जो है, हमें फ्लाईव्हील को फेस करवाना है और दूसरा जो है क्लच प्लेट को न्यू लगाना है। तो देख सकते हैं अभी हमने फेस करवा लिया, खराब मशीन से फेस करवा लिया पूरा। इसमें जो 4 घंटा टाइम लगता है फेस कराने में, 4 घंटे के बाद इसमें फेसिंग कर लिया। आप देख सकते हैं इसका जो हमने प्रेशर प्लेट को न्यू डाल दिया, ये बिल्कुल न्यू कंपनी का है, देख सकते हैं आप। तो हमने इसको फेस नहीं करवाया क्योंकि ये ज़्यादा डाउन हो गया था, तो ज़्यादा पोजीशन में डाउन होने से ये काम नहीं करेगा, इसलिए हमें इसे पूरा चेंज करना पड़ा। तो देख सकते हैं इसका फेस जो है पूरा इक्वल है, तो इक्वल ऐसा सब होना चाहिए। आप क्लच प्लेट का भी हिस्सा देख सकते हैं, ये क्लच प्लेट कितना अभी इसमें जो है लेदर जो लगा है वो बिल्कुल न्यू है और रिपीट भी ज़्यादा नहीं कटा है, तो इतना मत देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो गियर बॉक्स साइड दिया है, तो इस तरह आप भी ऐसे काम कर सकते हैं। तो उसका जो सीधा होता है वो कुछ इस पोजीशन में होता है, आप भी उल्टा मत लगाइएगा। उसमें जो लिखा होता है उसके भी आप देख सकते हैं, नहीं तो उसका जो दांता होता है कम बेसी का होता है, जैसे क्लच प्लेट का जो दांता होता है, क्लियर। अभी हम इसको सेटिंग कैसे करेंगे कि इसका जो सेटिंग बिल्कुल 0 मात्रा में हो, बिल्कुल कंपनी के जैसा हो, वो काम भी अच्छे से करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इस तरह इसका सेटिंग कर लिया, और इसका जो फिंगर उठाना होता है वो कितने पॉइंट तक उठाया जाए, महिंद्रा युवराज है तो जो वो 1 सिलेंडर का मतलब 3 सिलेंडर है और सिंगल क्लच प्लेट का ये ट्रैक्टर है। तो इसका जो फिंगर हम सेटिंग करेंगे किस तरह करेंगे और कितना फिंगर उठाना पड़ेगा, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं जो क्लच प्लेट हमने डाला, उस क्लच प्लेट से इसका जो फिंगर का गैप होता है वो हम 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है, क्लियर। तो 1.5 इंच हमें उसको रखना है, और फिर 1 को 1.5 इंच रख के उसके बाद से तीनों फेस को बराबर रखना है। तो अभी तीनों जो फेस है उसको बराबर कैसे रखेंगे, तो उसके लिए हमने क्या अपनी तरफ से एक जुगाड़ की तरह से मैंने काम किया, आइडिया की तरफ से। तो देख सकते हैं इसमें जो है एक तार, एलुमिनियम का जो एक तार होता है, उस तार को इसमें फिटिंग कर लिया है। अभी हम चारों तरफ इसको घुमा के फ्लाईव्हील को उसके फेस के इक्वल होना चाहिए। अभी तार जो है वो मेरा एक अस्थाई जगह है, जब ये अस्थाई जगह है तो उसको हम कैसे कम बेसी कर सकते हैं, उसमें कोई छेड़ना नहीं है। तार को एक बार अस्थाई करके सेव कर लेना है, और फिर जितना इक्वल उसमें मांग रहा है, तो ये अपना जो 19 नंबर का ये बोल्ट दिया है, इस बोल्ट को आप कम बेसी करके आप इक्वल कर सकते हैं। यानी कि जो क्लच प्लेट से उसके फिंगर का दूरी होता है वो 1.5 इंच तक होता है, और फिर उसको जो तीनों को इक्वल करना है, तो ये हमने जो जुगाड़ मतलब इसमें लगाया